हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी भारत। मैं अमन वोहरा अपने स्टडी भारत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में INC के बारे में पढ़ा था, तो इस बार हम पढ़ेंगे 1857 की महान क्रांति के बारे में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले NCERT की बुक्स में 1857 की जो महान क्रांति है वो पहली क्रांति मानी जाती थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चेंज कर दिया है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने 1817 की जो पाइका विद्रोह था उसको उन्होंने भारत की पहली महान क्रांति के रूप में कहा है। अब ये 1857 की पहली नहीं, ये दूसरी क्रांति गिनी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा ना टाइम लेते हुए हम ये आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम पहले 1857 क्रांति का पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, ये देखेंगे ये क्रांति के कारण क्या थे। इसको जल्दी से करेंगे, है तो बहुत लंबा लेक्चर, लंबा हो जाएगा। तो हम मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा कि ये इसके क्या क्या कारण थे, इसके साथ ही हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सबसे पहले है कि 1857 की महान क्रांति, ठीक है, 1857 की महान क्रांति को 1857 की क्रांति को महान क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक क्रांति तथा इसके कई अनेक कारण हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामस्टेन। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल हैं वो थे लॉर्ड कैनिंग, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामस्टेन। इसके मुख्य कारण क्या थे, इसके मुख्य कारण है, देखिए 1856 में अंग्रेज़ों ने अपनी पुरानी बंदूक ब्राउन बैंस, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये पुरानी जो पुस्तक है, जो पुरानी जो बंदूक है वो कौन सी थी, ब्राउन बैंस थी, के स्थान पर नई राइफल लेके आए, एनफील्ड राइफल। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी पहले बंदूक थी जो नई, कौन सी लाए थे, पुरानी थी ब्राउन बैंस और नई थी एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय किया। मतलब उन्होंने कहा कि 1856 में कि हम जो पुरानी बंदूक है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह हम एनफील्ड राइफल लेके आएंगे। परंतु समस्या यह थी कि उस बंदूक के लिए बनाए गए कारतूस गाय तथा सुअर, ठीक है, गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था जिसे मुँह से खोलना पड़ता था। अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि इसके बंदूक के ऊपर, जो एनफील्ड राइफल थी उसके ऊपर उन्होंने जो कारतूस, जो बंदूक, जो कारतूस था उसको छीलने के लिए गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया था जिसे मुंह से खोलना पड़ता था, जो आम, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। धार्मिक भावना जैसे कि आप देखें कि जो हिंदू धर्म है उसमें गाय का पूजा जाता है, तो जो मुसलमान धर्म है उसमें सुअर को पूजा जाता है या सुअर खाना निषेध है। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपसी फूट डलवाने के लिए इन्होंने यह सब किया। यही कारण था कि 1817 की क्रांति का मुख्य कारण बना। सबसे पहला कारण तो ये बनता है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब कि हड़प की नीति के द्वारा किसी राजा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार छीन लिया, जिससे सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में, झांसी, जैतपुर पड़ता है उड़ीसा में, जैतपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, अंग्रेज़ों के कब्जे में हो गया। मतलब कि लॉर्ड डलहौजी ने एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति निकाली। उसने कहा था कि जिस राजा का जो अपना खुद का पुत्र नहीं है, जिसकी संतान नहीं है, वो कोई भी किसी भी बच्चे को वो गोद नहीं ले सकता, ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो उसका राज्य जो है हड़प लिया जाएगा। अवध के नवाब से उसका शासन छीन कर कलकत्ता भेज दिया गया। अवध के नवाब को उन्होंने कहा कि आप इसी योग्य नहीं हो राजा बनने के लिए, तो इन्होंने उससे छीन के उसका शासन उसको कलकत्ता भेज दिया। पेशवा बाजीराव टू की पेंशन बंद कर दी गई। बहादुर शाह जफर को मुगलों ने अंतिम राजा घोषित किया। बहादुर शाह जफर को मुगलों का अंतिम राजा, ठीक है, अंग्रेज़ों ने कहा था कि जो बहादुर शाह जफर है वो अब से मुगलों का अंतिम राजा होगा, उसे घोषित कर दिया गया। यही कारण 1857 क्रांति के मुख्य कारण बने। आप देखिए कि पहले उन्होंने
चर्बी वाले कारतूस लगा दिए, उसके बाद उन्होंने मुगलों के साथ ऐसा किया, फिर पेशवा बाजीराव, फिर अवध के नाम, मतलब कि आप देखिए कि पूरे भारत को लेके उन्होंने सब जगह अपने अपनी अलग अलग नीति बनाई जो सभी जगह क्या क्रांति का कारण बना। ठीक है, 1857 के मेन केंद्र देख लेते हैं क्रांति के कौन से थे। अब ये देखिए कि यहाँ पे लिखा है केंद्र, यहाँ भारतीय राजा और अंग्रेज अफसर। क्वेश्चन ये आता है हमेशा पेपर में कि झांसी की तरफ से कौन था, दिल्ली की तरफ से कौन था, ऐसे आ जाता है पेपर में। वैसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन कहाँ से लड़ रहा था, पर अंग्रेजी अफसर कभी नहीं आया, आ सकता है आगे जाके, हमें पहले प्रिपरेशन अपनी पूरी रखनी चाहिए। देखिए झांसी जो है केंद्र, वहाँ से कौन लड़ रहा था, रानी लक्ष्मीबाई, और अंग्रेजी अफसर कौन था वहाँ पर, हीरोज, मतलब कि झांसी लक्ष्मीबाई उसके खिलाफ थे। दिल्ली में थे, केंद्र था दिल्ली, बहादुर शाह जफर थे भारतीय राजा, ठीक है, उसका कमांडर था भक्त खां सेनाध्यक्ष। बहादुर शाह जफर इतने बूढ़े हो चुके थे वो क्या लड़ेंगे किसी से, तो इसलिए उनका जो कमांडर था भक्त खान वो सेनाध्यक्ष था। पर जैसे कि कोई भी उसका चाहे सेनापति लड़े, पर नाम तो राजा का आता है, इसलिए आप ये दोनों याद रखिएगा, बहादुर शाह या भक्त खान दोनों आ सकता है। अंग्रेजी अफसर थे एक तरफ निकल्सन एंड हटसन। अगला केंद्र है कानपुर, वहाँ पे थे नाना साहब और तांता टोपे, ठीक है, तो अंग्रेजी अफसर थे कैंपबेल। केंद्र था लखनऊ, भारतीय राजा थे बेगम हजरत महल थी ये, यहाँ पे तो हेनरी लॉरेंस कैंपबेल यहाँ पे अंग्रेजी अफसर थे। इलाहाबाद में थे लियाकत अली और अंग्रेजी अफसर थे कर्नल नील। जगदीशपुर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे थे कुंवर सिंह, वहाँ पे थे अंग्रेजी अफसर विलियम टेलर तथा विंसेंट आयर। बरेली की तरफ से बरेली था केंद्र, वहाँ से लड़ रहे थे खान बहादुर और अंग्रेजी अफसर था हटसन। अभी जो पंजाब पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे, सिंपल इसका आंसर था उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा था जगदीशपुर उत्तर प्रदेश लिखा था, यहाँ पे जगदीशपुर जो कुंवर सिंह जहाँ से लड़ रहे थे वो उत्तर प्रदेश नहीं, वो बिहार आएगा, आप यहाँ से इसको देख लेना, ये बिहार है उत्तर प्रदेश नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्र फतेहपुर, यहाँ से भारतीय राजा थे अजीम उल्लाह, अंग्रेजी अफसर थे जनरल रैनड। नेक्स्ट है फैज़ाबाद केंद्र, वहाँ से भारतीय राजा थे मौलवी अहमद उल्लाह, तो अंग्रेजी अफसर थे कर्नल नील। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते थोड़ा, यहाँ पे लिखा है कि 1857 की क्रांति का स्वरूप तथा इतिहासकारों का मत, मतलब कि जो 1857 की जो क्रांति थी उसका स्वरूप क्या था, तो इतिहासकारों का मत क्या था, उन्होंने क्या क्या कहा था। यहाँ पे आएगा मत और स्वरूप, यहाँ पे आएगा इतिहासकार, जैसे यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा है, यह कहा था डिजराइली ने, यह हमारे हिस्टोरियन है इतिहासकार। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा है, वीडी सावरकर या वीर सावरकर। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, यह किसने कहा, यह कहा था टीआर थॉमस ने। मतलब कि अलग अलग विचार, अलग अलग इतिहासकारों ने देखे, अलग अलग लाइनें कही हैं, ये पेपर में काफ़ी आ सकती हैं। यह पूर्णता सिपाही विद्रोह था, यह किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह किसने कहा था, जेम्स ऑट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने। 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था, यह किसने कहा था, पी रॉबर्टसन ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आ सकते हैं, आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अब देखिए कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या थे। आप देखिए कि इतनी बड़ी क्रांति थी 1857 की, पर वो फिर भी वहाँ पे क्या था, असफल हो गया था। कारण क्या था, देखिए योग्य नेतृत्व का अभाव, वहाँ पे योग्य नेतृत्व होता है कि जो सेना की तरफ से लड़ रहे थे वो बंदे वो कई योग्य नहीं थे। आप एक ऐसा देखिए कि जो पूरा भारत था, पहली बात तो जब आप 1947 की बात देखिए, भारत क्यों आज़ाद हुआ, क्योंकि तब पूरा भारत जो था वो इकट्ठा हो गया था। 1857 में क्या था कि जो पूरा भारत था वो एकजुट नहीं था, वहाँ पे क्या थे कि वो सब जाने अलग अलग जगह से लड़ रहे थे, यही कारण था कि 1857 की क्रांति बड़ी होने के कारण जो फेल हो चुकी थी। अगला पॉइंट है भारतीय राजाओं का एकजुट होकर ना लड़ना। आप देखिए भारतीय राजा जो एकजुट होकर नहीं लड़ रहे थे, कोई कहाँ से लड़ रहा था, कोई कहाँ से लड़ रहा था, इसलिए ये असफलता का दूसरा कारण माना जाता है।
देश के अनेक हिस्सों ने भाग नहीं लिया, यहाँ पे देश के अनेक हिस्सों ने भाग ही नहीं लिया। जब 1947 का वक्त आया था आज़ादी का समय, तब पूरा देश एकजुट हो गया था, जबकि 1857 की क्रांति में ऐसा हुआ ही नहीं था। राजाओं तथा सामंतों की गद्दारी, राजाओं तथा सामंतों की गद्दारी। आप देखें कि कई राजा जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, वो गद्दारी करते थे, सामंत वो भी गद्दार थे। अगला पॉइंट है विद्रोहियों के साधन सीमित होना, विद्रोहियों के जो साधन थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनके साधन सीमित थे, ठीक है। इसलिए अंग्रेज़ों की साधन तो असीमित थे, इनके सीमित थे। तो चलिए अब हम देखते हैं 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तो वैसे काफ़ी हैं, मैंने वो लिखे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। सबसे पहला ये क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर है मेरठ, ठीक है। उसके बाद वह पहला भारतीय सिपाही विद्रोह, वह पहला सिपाही भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया। उसका आंसर है मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया। तो उसका आंसर है लखनऊ। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का प्रतिनिधित्व किसने किया, ठीक है। तो इसका आंसर है तांत्या टोपे। कानपुर की तरफ से कौन थे, तांत्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, उनका नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था, ठीक है। शक्ति लिखा हुआ है, इसका आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह, क्वेश्चन में से ही आंसर निकलता है पहला, तो कुंवर सिंह कहाँ से थे, बिहार से थे। ध्यान कब हुआ, 9 मई 1858 में। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसका आंसर है मिर्ज़ा गालिब, इन्होंने 1857 के विद्रोह को लिखा था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, उसका आंसर है लॉर्ड पामस्टेन। लॉर्ड पामस्टेन, अभी जो हमने पीछे आपको इंट्रोडक्शन बताई है उसमें से आप देखें कि काफ़ी क्वेश्चन उसमें से ही बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आपातकालीन मतलब कि एमरजेंसी जो हेडक्वार्टर था वो किसने बनाया था इलाहाबाद को, तो उसका आंसर है लॉर्ड कैनिन। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कौन था, गडकरी विद्रोह का, तो उसका आंसर है कोल्हापुर। आपको ऐसे भी हो सकता है कि गडकरी विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, तो 1844 तो कहाँ हुआ था, केंद्र कौन सा था, उसका आंसर है कोल्हापुर। 1857 को के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, बरेली विद्रोह का नेता कौन था, उसका आंसर है खान बहादुर। अगला क्वेश्चन कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो उसका आंसर है चित्तौड़। यहाँ ये जो केंद्र, ये जो चित्तौड़ था ये 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। आपको मैंने पीछे बताया था कि जो पूरा भारत है वो एकजुट नहीं था, कहीं पे ये युद्ध हुआ था कहीं पे नहीं हुआ था, इसलिए जो चित्तौड़ है वो युद्ध से प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था, तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो उसका आंसर है रामचंद्र पांडुरंग। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रामचंद्र पांडुरंग किस नेता, किस जो विद्रोही का नाम था 1857 के, तो उसका आंसर है रामचंद्र पांडुरंग का, उसका आंसर है तांत्या टोपे, ठीक है। क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ सकते हैं वो। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई, हैवलॉक की मृत्यु हो गई, तो उसका आंसर है लखनऊ। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो उसका आंसर है बहादुर शाह।
वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो उसका आंसर है कैम्बेल। अगला क्वेश्चन, 1857 के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में, ठीक है, सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो उसका आंसर है बख्त खान। आपका मैंने बताया था बख्त खान कौन था, बहादुर शाह जफर का वो सेनाध्यक्ष था, उसका कमांडर था वो। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? देखिए ये बड़ा नया क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह सिंबल क्या निश्चित किया गया था? उसका आंसर है कमल एवं चपाती, कमल एवं चपाती। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार, उसका आंसर है SL सेन, SL सेन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं जो 1857 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से ध्यान से कीजिएगा, इसको बार बार कीजिएगा ताकि आपको टिप्स पे आपके आ जाए। पहले तो आप इसको जो ओवरव्यू देख लें जो आपको वीडियो में स्टार्टिंग में करवाया था, उसके साथ ही आप इसके महत्वपूर्ण विद्रोह देखिए। आई होप ये एग्ज़ाम में काफ़ी आपकी मदद करेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।